ये GTA Vice City का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन मिशन है, क्योंकि डियाज का एक चोर को पकड़ना है जो चोर सब कुछ चोरी करके लेके चुका है। और जब यह टॉमी वर्सिटी आता है तो ये बेवकूफ़ कौन है पूछता है डियाज ने। टॉमी वर्सिटी जैसा आदमी को वो पहचान पाता नहीं, तो उसका आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ रहता है और टॉमी वर्सिटी बोलता है मैं टॉमी वर्सिटी हूँ जिसको आप कॉर्नल का शिप में मिले थे, तो मैं वही टॉमी वर्सिटी हूँ। तो है डियाज ठीक है, तुमको एक चोर को पकड़ना है। वो किस तरफ जाता है उसका, उस कंपाउंड से भागकर तुमको उसका घर, उसका पहचान, उसका ठिकाना सब कुछ पहचानना है। ये काम मुझको करके दो तब मैं देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना दम है। ठीक है टॉमी, मैं तुमको देखूंगा। तुम खुद को खुद साबित करो, प्रूव करो तुम खुद को हमारे सामने, तुम खुद को ऐसे ही प्रूव करो। तो टॉमी वर्सिटी राजी हो जाता है उस चोर को पीछे करने का। तो टॉमी वर्सिटी भी इस कंपाउंड से, जो डियाज का कंपाउंड से, यहाँ से निकल के सीधा चोर का जो ये जो क्वार्टर है जिसमें वो छुपा हुआ है, ये जो किराए का घर है इसमें छुपा, इसको आपको जानला से ऐसे उसको नज़र रखना है। तो ठीक है, चोर को उस तरफ दिखा जाएगा यहाँ। तो ओ ये टॉमी वर्सिटी को देख लेता है, तो इसको पीछा करना है। इसमें एक बात है, इसको अभी ख़त्म करना नहीं, इसका पीछा करना है, थोड़ा गोली मार देगा टॉमी को, मार के भाग जाएगा। तो टॉमी को इसका पीछा करना है, किस तरफ जाता है, किस कहाँ ये छुपा हुआ रहता है, किस कंपाउंड पर, यही टॉमी को ढूंढ के निकलना है। ये इसके लिए आपका बहुत टफ मिशन हो सकता है, लेकिन टॉमी के लिए बहुत आसान है। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो इस मिशन को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप समझ जाएंगे इस मिशन में एक्चुअल में करना क्या है। इस मिशन में आपको वही करना है, इस चोर को मारना नहीं, बिल्कुल मारना नहीं, इसका पीछे पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद जहाँ वो घर है, जहाँ उसका कंपाउंड, जहाँ वो छुपा हुआ रहता है, वही कंपाउंड पर जाकर उसका पीछा करना है, वही ठिकाने का पता लगाना है। ठिकाने का पता लगाने के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन जाके डियाज को देंगे। तो ठीक है, इसका पीछा करेंगे तो ये ऐसे गोली मारते रहेगा। तो अच्छा है, एक अच्छा व्हीकल ले ले, ऐसा कोई कार ले ले, तब उसका पीछा करना आसान हो जाएगा। बाद में आप चाहे तो दूसरा गाड़ी भी ले सकते हैं, चाहे वो बाइक हो और कोई कार हो, लेकिन उसका पीछा छोड़ना नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर भाग जाएगा तो मिशन फेलियर हो जाएगा। तब चोर को आपको और नहीं मिलेगा और डियाज फेलियर हो जाएगा। डियाज के सामने आप खुद को सबित नहीं कर पाएंगे। तो टॉमी वर्सिटी को इस चोर का ठिकाना लगाना है, कहाँ इस चोर रहता है। ठिकाना लगाने का मतलब इसको ख़त्म करने का नहीं, ठिकाना का पता करने का मतलब इस चोर कहाँ रहता है, कौन सा घर पे रहता है, इसको आपको पता करना है टॉमी वर्सिटी के जरिए। तो ठीक है, इसका पीछे करते जाइए, लेकिन उसको मारना नहीं, ख़त्म करने का नहीं बिल्कुल। ऐसे कोई अच्छा व्हीकल लेकर स्लोली जाइए, ज़रूरत पड़े तो स्लोली जाइए, लेकिन इसका पीछा करते करते ही जाइए। ऐसे करके आप इसका घर का जो ठिकाना है उसका आपको पता लग जाएगा। ये बिल्कुल मैप बेस्ड मिशन है, क्योंकि आप इस चोर को खो देंगे, फिलहाल में खोया नहीं हो, लेकिन आप खो देंगे तो मैप से आप इस चोर का लोकेशन कहाँ है, किस तरफ है, आपको मिल जाएगा। तो इसका पीछा करते करते आप जाइए मैप को देख के देख के, चोर किस तरफ गया है और किस तरफ जा रहा है। तो ठीक है, इसको बस गोली मारना है, नहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं करना। ये बाइक को ले लेते हैं हम, बाइक ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कार गोली लग के थोड़ा सा भी हो उसका कुछ पार्ट्स खुल गया है। तो ठीक है, ये कार, ये बाइक जो जल्दी जल्दी जाता है, लेकिन बिल्कुल स्मूथली, बहुत इजीली उस चोर का पीछा लेता है। और लगता है जो फिल्म स्टूडियो वगैरह रहता है ना, उस फिल्म स्टूडियो के नज़दीक कहीं रहता है ये चोर, इसीलिए उस तरफ उसी डायरेक्शन पर वो गाड़ी लेके जा रहा है। तो उसका पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, पीछा करो, और वो राइट की तरफ मुड़ा है, यहाँ आपको उतरना है ये घर के, ये जो पुराना घर है इसका अंदर चोर घुस गया है। तो ठीक है, मिशन पास है, $1000, इतना आसान मिशन है, इसके लिए बस $1000 दे चुका है। एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हो। बिल्कुल।